जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है आर्मी की तरफ से। यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई 1 मई से लेके 31 मई के बीच में कोई भर्ती नहीं कराई जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि ना तो कोई भर्ती का अपडेट मिल रहा था, ना ही किसी एग्ज़ाम का हमें नोटिस या कोई भी कुछ पता चल रहा था कि भर्ती कब होगी भाई, ठीक है, या कोई एग्ज़ाम कब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नोटिस निकल के आया है जिसमें भाई भर्ती को 1 मई से लेके 31 मई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। जो भी कोई भर्ती आपकी होनी थी, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। क्या है नोटिस में वो हम आपको पढ़ के जरूर बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना और अपने दोस्तों पे शेयर करना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पेपर कटिंग दिखा दूँ कि भाई यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो है पेपर कटिंग 1 मई 2021 को ये निकल के आया है शनिवार को भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि लिखा है 12 मई से होने वाली सेना भर्ती रैली स्थित। तो यहाँ पे जो 12 मई से भर्ती आपकी होने वाली थी वो सब यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। और अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, यहाँ पे भी लिखा है लगभग 1 लाख युवाओं के सपनों को लगा झटका कर रहे थे तैयारी भाई, ठीक है। और अगर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि 12 मई से 31 मई के बीच में ये जो रैली होने वाली थी मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्टेडियम के अंदर, तो भाई इसको भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है, इसको भी भाई आगे बढ़ा दिया गया है। वही कोरोना के वजह से, आपको पता ही है कि यहाँ पे 12 से 31 मई को होने वाली थी कोई भी भर्ती, अगर होती आपकी 1 मई से 31 मई के बीच में, वो पोस्टपोन्ड ही आपकी होनी थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस भर्ती को भी कर दिया गया भाई यहाँ पे, जो कि आपकी मुजफ्फरनगर की यहाँ पे होने वाली थी। मेरे ख्याल से ARO मुजफ्फरनगर की ये भर्ती होने वाली थी। तो इसमें जो जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बिलोंग करती थी। तो आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो भाई आपके लिए बहुत ही दुख खबरी की यहाँ पे बात है, क्योंकि भर्ती आपकी यहाँ पे पोस्टपोन कर दी गई है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ते हो तो यहाँ पे आप बता दिया गया है कि वेबसाइट की अगली डेट जल्दी ही बता दी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि ऐलान कर दिया जाएगा जल्दी नेक्स्ट अपडेट की कब भर्ती आपकी कराई जाएगी भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वही जून जून के एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे भर्ती कराई जा सकती है, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है। लॉकडाउन को मतलब रोक देते हैं कि भाई अब यहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन देती है कि भर्ती आप कराइए। और अगर कोरोना भाई ऐसे ही बढ़ता चला गया तो भाई मेरे ख्याल से वही है, ये साल भी बर्बाद जाएगा बच्चों का। और वही भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर एज होंगे, और छूट में तो भाई वही पहले टाइम में जैसे छूट मिली थी ऐसे ही मिलेगी थोड़ी बहुत, और बाकी पता नहीं भाई क्या होगा, देखते हैं भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।